हेलो फ्रेंड्स, सीजीएल एप्टीट्यूड पाठशाला में आपका स्वागत है। मैंने अभी आपको 5 to 6 लेक्चर्स में रूट्स के बारे में बताया था। मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा था कि रूट्स कितने हेल्पफुल हैं, ठीक है। उसमें मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं जिनको मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सारे वर्ड्स जो भी मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारा अपने एसएससी के रेलेवेंट है, और अपने एसएससी में इससे रिलेटेड सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, चाहे रीडिंग कंप्रेंशन हो, क्लोज टेस्ट हो, सभी में कुछ ना कुछ जरूर आता है, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट टर्म है अपना हीड, ठीक है। तो हीड का मतलब क्या होता है? हीड का मतलब होता है ध्यान देना। हीड का मतलब क्या है? ध्यान देना, पे अटेंशन, ठीक है। पे हीड टू समथिंग, ठीक है, किसी चीज पर ध्यान देना। जैसे यू शुड पे अटेंशन टू माई एडवाइस, तो यू शुड हीड माई एडवाइस, ठीक है। अब देखिए, रिटेलिएट और रिप्राइजल, दो टर्म है, रिटेलिएट और रिप्राइजल। देखिए, रे हमने बताया था आपको रूट्स वर्ड में, री का मतलब क्या होता है? दोबारा से करना, ठीक है। तो रिटेलिएट और रिप्राइजल का मतलब होता है बदला लेना, ठीक है। जैसे आपके आपके साथ किसी ने कोई प्रॉब्लम किया, आपको परेशान किया, आप रिटेलिएट कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जांपल, जैसे कारगिल में या कहीं भी जब बार वगैरह होते हैं तो आर्मी क्या करती है? रिटेलिएट करती है ना। तो रिटेलिएट और रिप्राइजल। रिटोर्ट, रिटोर्ट का भी मतलब है बदला लेना, लेकिन यहां बदला लेने का मतलब है बातों से, भाई किसी को जवाब देना। यहां बदला लेना के मतलब क्या है? जवाब देना। तो आप किसी को रिटोर्ट करते हैं तो आप किसी को क्या करते हैं? जवाब दे रहे होते हैं। अगर कोई पर्सन आप पर गुस्सा हो रहा है, आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। अब दो टर्म है यहां पर, देखिए, रिकूपरेट और कॉन्वेलेस। रिकूपरेट और कॉन्वेलेस, इसमें क्या होता है? स्वास्थ्य होना, स्वास्थ्य लाभ पाना। देखिए, आप रिकूपरेट कब होते हैं? मान लीजिए आप बहुत ज्यादा टायर्ड हैं, उसके बाद अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो थोड़ा सा रिकूपरेट होते हैं। आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, उसके बाद क्या होता है? आप मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? रिकूपरेट होते हैं, फिर उसी ऊर्जा और उसी एनर्जी में आ जाते हैं जैसा पहले था। रेट्रोस्पेक्ट, देखिए ये मैंने आपको रूट्स में भी बताया था, इसीलिए मैंने देखिए आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है कि जिसमें आप ये भी समझ सकें रूट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। रेट्रो का मतलब क्या था? बैक पीछे, और एस्पेक्ट का मतलब देखना, यानी पास्ट की चीजों को एनालिसिस करना, पास्ट की चीजों को एनालाइज करना, ठीक है। अब देखिए, ये तीन वर्ब हैं, एनहेंस, ऑगमेंट और एनरिच। तो एनहेंस का भी मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ऑगमेंट का भी मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना। और एनरिच का भी मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना, बढ़ाना। किस चीज को बढ़ाना? नॉलेज को। नॉलेज को बढ़ाना। तो देखिए, आप ध्यान रखिएगा कि जब भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट आते हैं तो इसमें क्या रहता है कि आपको एनहेंस, ऑगमेंट और एनरिच, इसके साथ आपका अगर नॉलेज आया है तो सही है, अगर नॉलेज नहीं आया है तो गलत है। अगर स्किल, अगर आपको स्किल इंक्रीज करना है, स्किल बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या आता है? होन या वेट। होन या वेट में आप क्या करते हैं? अपनी स्किल को बढ़ाते हैं। और इसमें क्या करते हैं? एनहेंस, ऑगमेंट और एनरिच में क्या बढ़ता है? आपका नॉलेज। और होन और वेट किसके साथ यूज होता है? स्किल के साथ यूज होता है, ठीक है। अब देखिए, मैंने कुछ और टर्म लिए हुए हैं, स्कॉर्चिंग, सल्ट्राई, ब्लिस्टरिंग, स्केल्डेड, चार्ड, स्कॉर्च, ये सभी आग से संबंधित हैं, टेम्परेचर से संबंधित हैं, ठीक है। तो जो स्कॉर्चिंग है, स्कॉर्चिंग क्या है कि जो सीजन्स होते हैं, जो ऋतुएं हैं, उनके लिए यूज होता है। जैसे स्कॉर्चिंग समर है तो गर्मी कैसी है? बहुत चिलचिलाती हुई गर्मी है, धूप है। सल्ट्राई वेदर, थोड़ा सा जो मौसम है वो आपका सल्ट्राई होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप साउथ इंडिया में जाएं तो वहां का वेदर कैसा रहता है? सल्ट्राई वेदर रहता है। ब्लिस्टरिंग हीट, ब्लिस्टरिंग में क्या रहता है कि बहुत ज्यादा बिल्कुल आग के गोले से ऐसे बरस रहे हैं, बहुत ज्यादा आग, मतलब टेम्परेचर क्या है? बहुत ज्यादा है। अब देखिए, ये जो टर्म है स्केल्डेड, चेड और स्कॉर्च, इन पे वेस्ट एसएससी में कई बार क्वेश्चंस पूछा भी गया है। देखिए, आप स्केल्डेड कब होते हैं? जब आप स्टीम
या फिर ऑयल या फिर वाटर से क्या करते हैं, गर्म पानी से आप क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। सबका मतलब जलना ही है, ठीक है। अब देखिए चैट, चैट आप सीधे फायर से, आग से अगर जल रहे हैं, सीधे आग से, आग से जलना। और स्कॉर्च्ड क्या होता है, स्कॉर्च्ड होता है लू वगैरह से जलना, ठीक है। सेट ऑन फायर, ये आपके इंडिया में सेट अ फायर, सेट अब्लेज और टॉर्च, इसका मतलब होता है आग लगाना, ठीक है। तो देखिए इसमें इडियम्स भी आ गए हैं, सेट ऑन फायर का मतलब सेट ए फायर, सेट अब्लेज अब्लेज और टॉर्च, इसका मतलब क्या होता है, आग लगाने से, ठीक है। अब जरा इधर देखते हैं, रिफ्यूज शेल्टर और असाइलम, तीन टर्म दिए हुए हैं, तो तीनों का मतलब क्या होता है, शरण देना, रिफ्यूज शेल्टर और असाइलम, शरण देना। देखिए असाइलम में दो तरह का होता है, पॉलिटिकल असाइलम और मेंटल असाइलम। देखिए पॉलिटिकल असाइलम में क्या होता है कि जब किसी भी पर्सन को कोई दूसरी एम्बेसी, किसी कंट्री के, कंट्री का कोई पर्सन है और दूसरी कंट्री की एम्बेसी जो है उसको पॉलिटिकल असाइलम दे रही है ना। मेंटल असाइलम क्या होता है, इसमें भी सरल है, लेकिन इसमें मेंटल असाइलम पागल लोगों के लिए जो असाइलम है, यानी जिसको पागल खाना भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रिपेट्रिएट, रिपेट्रिएट का मतलब क्या है कि यहां पे आप शरण दे रहे हैं किसी को, और रिपेट्रिएट अगर आप किसी को कर रहे हैं तो आप अपने देश से उसको क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं, देश से बाहर निकाल देना, आई होप आप लोगों को ये टर्म समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए आप लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इन पर, इंक्वायर प्रोब इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर इंटेरोगेट और ग्रिल, ये जो तीन टर्म दिए हुए हैं, इंक्वायर प्रोब और इन्वेस्टिगेट, इसका मतलब होता है सिंपल सा क्या करना, छानबीन करना, ये जो इंक्वायर दिया हुआ है। देखिए आप जब ट्रेन या एयरपोर्ट वगैरह पे आप अगर जाते हैं तो आप देखते हैं वहां पे इंक्वायरी ऑफिस होता है ना, तो ये वाला इंक्वायर है जहां पे आप ट्रेन बस या उस चीजों का पूछताछ करते हैं, इसकी पूछताछ करना, ठीक है। अब दो ये टर्म देखिए, इंटेरोगेट और ग्रिल। देखिए इंटेरोगेट और ग्रिल जो है वो कोई एजेंसी करती है, मान लो सीबीआई एजेंसी है या पुलिस है, किसी से क्या कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उस समय इन दोनों टर्मों का यूज होता है, इंटेरोगेट और ग्रिल का, पुलिस या कोई एजेंसी, पूछताछ करती है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें है सभी का मतलब पूछताछ करना ही है, लेकिन यह आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म किसके साथ यूज होगा, यह सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इंटरवीन करना, मेडल करना, और ऊपर दिया हुआ इंटरफेयर करना और इंटररप्ट करना, ठीक है। इंटरवीन करना और मेडल करना, इंटरवीन और मेडल का मतलब यह है कि आप किसी के मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, किसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, मामलों में हस्तक्षेप करना, किसी का मैटर है उस मैटर में आप अपनी टांग अड़ा रहे हैं, तो उनके मैटर में मामले में हस्तक्षेप करना इंटरवीन और मेडल कहलाता है। जबकि इंटरफेयर और इंटररप्ट अगर आप किसी को कर रहे हैं तो दो पर्सन क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अगर बातचीत कर रहे हैं तो उसमें आप इंटरफेयर कर रहे हैं, किसमें, बातचीत में दखल देना। तो देखिए यहां पर जो किसी के मामलों में कोई मैटर्स हैं, उनके पर्सनल लड़ाई झगड़ा है, उसमें अगर आप इंटरवीन कर रहे हैं, मेडल कर रहे हैं, तो उसके मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं वहां अगर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर या इंटरप्ट कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखिए कुछ और टर्म देखिए, इंट्रूड, इनफिल्ट्रेट, स्नीक इनटू और ट्रेसपास। ये चारों वर्ब हैं एक्चुअली में, और इन चारों का मतलब क्या होता है कि बिना इजाजत के कहीं दाखिल होना, है ना, घुसपैठ करना। देखिए जब मैं आपको न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ाऊंगा, जिसमें रीडिंग कंप्रेंशन में जब कराऊंगा, तो ये सारे जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वहां आप इन सभी टर्मों को ही देखेंगे कि टेररिस्ट इंट्रूजन किए या टेररिस्ट स्नीक इंटू किए, तो ये टर्म आएंगे वहां पर। तो ये क्या है, वर्ब है घुसपैठ करना। अब देखिए इंट्रूजन, इनफिल्ट्रेशन, ट्रेसपासिंग और इनकर्जन, इनका मतलब क्या है, घुसपैठ। इनका मतलब क्या है इन सभी का, तो वो वर्ब थे, ये नाउन है, इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है नाउन और वर्ब का। बस मैंने एक आइडिया आपको दे दिया कि ये वर्ब है और ये नाउन है। देखिए ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेट 40 to 45 के अराउंड वर्ड्स हैं, और मैं इसी तरह से आपको और बहुत सारे वर्ड्स कराना स्टार्ट करूंगा और करवाऊंगा। बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, आपको पसंद आया, जैसा भी लगा हो आप कमेंट जरूर भेजिएगा। और आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।